हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सुबह के 5:30 बजे का टाइम है, क्योंकि अब सर्दियों की रातें होती हैं तो सुबह दिन भी बहुत देर से निकलता है। तो देखो अभी भी कोई सोकर भी नहीं उठा था और मुझे जाना पड़ा, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में मोटर ख़राब हो रखी है और आज सोमवार है तो आज दुकान पे छोड़ के आएंगे। तो नहाना था मुझे, ब्रश ब्रश करना था, तो पानी यहाँ घर पे था तो यहाँ पे इसीलिए मैं आ गई थी। और यहाँ पे कुत्ते थोड़ा सा मेरे को देख के भौंकने लग रहे थे। और इसमें मैंने थोड़ी दालचीनी लेकर जा रही हूँ और लहसुन लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं राजमा बनाने वाली हूँ वहाँ जाके घर। तो अभी भी अंधेरा है, देख लो ठंड का टाइम है, पर चलते हैं, बिहार के पास जा रही हूँ मैं। कुल्फी जम रही है यार, इतनी ठंड है और वो भी नहा के आई हूँ, तो सोच के देखो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जब वहाँ जाती जल्दी से थोड़ी देर तो पहले रजाई में घुसूंगी, उसके बाद ही मेरे हाथ पैर काम करेंगे। राजमा मैंने भिगोई थी और देखना अब सिलेंडर खत्म हो गया है। मैं अकेले क्या क्या मैनेज करूं, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। एक तो घर में पहले तो पानी नहीं था, पानी की दिक्कत हो रखी है, 10 दिन से घर में पानी नहीं है। आप खुद सोच के देखो, इंसान एक दिन नहीं रह सकता घर में पानी ना हो, वॉशरूम में पानी ना हो, रसोई में पानी ना हो, और मैं 10 दिन निकाल दिए हैं। पहले पाइप टूट गया था वहाँ का, तो प्लम्बर बुला के मैंने 550 रुपये दिए, प्लम्बर से कह के वो पाइप ठीक करवाया। उसके बाद मोटर ख़राब हो गई, उसके बाद मोटर वापस वहाँ दुकान पे लेके गए, वहाँ पे उसने एक दो दिन लगा दिए, फिर वापस करके दी। उसके बाद फिर मैंने प्लम्बर को बुलाया, फिर 200 रुपये दिए, फिर उसके बाद मोटर जुड़वाई, और उसके बाद वो नंबर भैया बोल के गए, बोलते मोटर तो ख़राब है। अब कल संडे आ गया, छुट्टी वाले दिन दुकान बंद होती है, आज मंडे है, अब 2-3 दिन और वो मोटर में लगा देगा। मतलब घटिया मोटर दे दी, एकदम घटिया मोटर दे दी है, 2800 रुपये की लोकल मोटर दे दी। मेरे को नहीं नॉलेज थी यार कि कंपनी की कौन सी होती है, मेरे को तो लगा अच्छी चीज़ देंगे दुकान पर है। और मैंने तो ये भी नहीं कहा कोई कम पैसे करवाए हो, जितने बोले थे उतने दिए थे, बेकार चीज़ दे दी। मतलब अभी तो लेकर आई थी आपके सामने, आपने वीडियो ही देखा था, मैं मोटर अभी महीना पहले खरीद के लाई हूँ और रिप्लेस करने के बाद भी जब उन्होंने दूसरी दी वो भी ख़राब है। मैं तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, और इसके अलावा अब सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं दुकान पे जाके 2-3 केले ही ले आऊँ, थोड़ा मतलब आधा दर्जन विहान के लिए, खाना मैं बना नहीं सकती, पानी मेरे घर में नहीं है, कुछ भी तो नहीं हो रहा यार सही। कैसे मैनेज करूँ यार अकेले सब कुछ, कहाँ से सिलेंडर लेकर आऊँ अब मैं। आज ना सुबह 5 बजे उठने की वजह से ना मेरा सर भी इतना थोड़ा थोड़ा भारी भारी सा हो रखा है, नींद पूरी नहीं हुई, मेरे को लगा के सोऊंगी, फिर विहान उठ गया, नहीं सो पाई। और आप सोच रहे होंगे ये इतने लंबे लंबे से कानों में क्यों पहन लिए हैं। एक्चुअली मेरे वो छोटे जो टॉपर्स होते हैं ना, जो कान के साथ बिल्कुल हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो मिल नहीं रहा, डब्बा इधर उधर हो गया, तो मेरे को ना कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने यही वाले पहन लिए। मैंने कहा कुछ नहीं होता, पहन लो। और ये मेरे थोड़ी हल्की हल्की ठंड होती है तो ये मैंने स्वेटशर्ट पहन ली है। और अभी दुकान की तरफ जाते हैं, और मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है अब ये सिलेंडर कहाँ से भरवाऊँ मैं, कहाँ जाना पड़ता है, कौन सा कार्ड होता है, सब कुछ मेरे लिए नया है। वैसे ना मुझे लग रहा है कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं खाना बनाऊं अपने हाथों से। मींस मैंने ना रात को बड़े मन से राजमा भिगोई थी पूरी, मतलब ना मैंने 15 मिनट लगा के यूट्यूब पे इतनी अच्छी मतलब 5-6 रेसिपीज़ देखी कि राजमा को और कैसे कैसे बना सकते हैं। मैंने सोचा अच्छे से बनाऊंगी, बढ़िया तरीके से अच्छे से, फिर अच्छी लगेगी। और देखो ना सिलेंडर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर भी केले नहीं हैं, यहाँ पर सिर्फ टमाटर हैं, अभी गोभी है, बैंगन है, सब्जियाँ हैं, पर अभी फ्रूट्स नहीं हैं। भैया फ्रूट्स नहीं आए अभी? अभी लाए नहीं, तो टमाटर दे दीजिए मुझे, पाइया ही दे दीजिए टमाटर, सुना है महंगे हो रखे हैं।
100 रुपये किलो। यहाँ से मैं ब्रेड ले लेती हूँ एक पैकेट ना, ये आई थिंक फ्रेश होगा, मैं डेट ज़रूर देखती हूँ। ये है 45 रुपीज़ की, यूज़ बाय 26 नवंबर। हाँ है, अभी टाइम रख पड़ा है इसका, तो ब्रेड खा लेंगे ना घर जाके। तो ब्रेड पे लगाएंगे क्या, कुछ मियोनी वगैरह देखते हैं। इसमें यहाँ रखी तो होती थी ना, ये देखते, एगलेस मियोनी, हाँ ये खा लेंगे। देखें इसमें और क्या क्या है। और क्या लेना है? हाँ जी देख रही हूँ, ये दे दीजिए। इसके अलावा ब्रेड है और ये है। मैं यहाँ से निकल के सीधा जाती हूँ पापा जी के पास और थोड़ा सा पापा जी के ऊपर इमोशनल अत्याचार करती हूँ। बोलूँगी जाके, पापा जी मेरा बच्चा भूखा है, उसे खिलाना है, उसे रोटी चाहिए, जल्दी से मेरा सिलेंडर का काम करवा दो। मेरा सिलेंडर बाहर से, मेरे को पता तो नहीं कहाँ से आता है, सिलेंडर का काम ज़रूरी है, पानी के बिना तो फिर भी काम चला ही रहे थे। ये ना मेरा दूसरा चक्कर है ना, सुबह का लग गया एक चक्कर। और पता है जब कोई, अगर आपको 14-15 साल का बच्चा एक 29 साल की लड़की को आंटी बोल देना, तो आपको समझ जाना चाहिए या तो आपके दिन चले गए, जवानी के दिन गुजर गए हैं, या फिर आपको अपनी जवानी के दिन वापस लाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जवानी के दिन वापस लाने पड़ेंगे, मुझे अपना वजन घटाना पड़ेगा। वेट ज़्यादा हो जाता है ना जब, तो आपकी एज ज़्यादा लगने लग जाती है। M29, और मुझे जहां तक लग रहा है मेरे प्रेगनेंसी के बाद जो मैंने वजन बढ़ाया बढ़ाया कह रही हूँ, वजन जो अपने आप कुदरती बढ़ जाता है, उसकी वजह से मैं 4-5 साल मेरी एज ज्यादा लगने लग रही है। पता नहीं ऐसा जब इंसिडेंट, मेरे को लगता है कि बहुतों के साथ होता है ना, जब आप 30 के होने को आ रहे होते हो, मतलब आपकी एज 28, 29, 30, इस एज में आप जाने लग रहे होते हो, और आपको उस टाइम, मेरे ख्याल से आपको खुद को ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप अपने, बस यही कहूँगी कि अब मैं खुद को थोड़ा ध्यान दूंगी। देखो ये लेकर आ रही थी तो मियोनी ब्रेड ब्रेड, तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है खुद पे थोड़ा सा ध्यान देने का। यहाँ से मैं सीधा घर की तरफ आ गई थी और यहाँ पे देख लीजिए मैंने 2 ब्रेड निकाली थी। एक्चुअली मैंने सोचा सुबह सुबह अब और तो कोई है कुछ है नहीं खाने में, मैं भी 2 ब्रेड खा लूँगी, विहान को भी थोड़ा सा यही खिला दूंगी। और विहान भूखा भी था क्योंकि घर में कुछ था भी नहीं खाने के लिए, फ्रूट्स भी लगभग ख़त्म हो गए थे। मेरे मामा जी आए थे तब भैया दूज पे काफ़ी फ्रूट्स आए थे, आपको दिखाए थे ना मैंने, इतने सारे सेब आए थे, संतरे आए थे, तो वो लगभग लगभग ये लगा लो बस 1-2 सेब रखा होगा, बाकी तो सब ख़त्म हो गया है फ्रूट्स भी। तो काफ़ी टाइम से, जब से वो मामा जी ने भैया दूज पे फ्रूट्स भिजवाए थे, उसके बाद आप देख लो इतने दिनों से बाज़ार से तो कुछ नहीं आए फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ मैं हाथ से ही कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर रही हूँ ब्रेड के ऊपर। तो मम्मी इनको मैंने खिलाया, मैंने कहा मम्मी खा के देखो, तो मम्मी बोलते तो थोड़ा खट्टा खट्टा सा लग रहा है, मैंने कहा मम्मी ये खट्टा ही होता है टेस्ट में। तो यही है ना कि ना अब क्या करें, कुछ और इलाज था नहीं। देखो जब गैस ही ना हो घर में तो कुछ और तो बन ही नहीं सकता। इवन मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज काम होएगा मेरा शुरू मिस्त्री का, तो उनको चाय कैसे पिलाऊंगी, क्योंकि बिना गैस के तो चाय भी नहीं पिले बनेगी, और ना चाय तो मतलब पिलाते ही है ना। तो यहाँ पे देखो मैं विहान बाबू को खिला रही हूँ, सुबह सुबह सो के उठे हुए हैं तो विहान भी थोड़ा थोड़ा नींद में लग रहा है, और मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा खा लूँ, अपना आगे ध्यान रखूँगी। और ठीक है यार, लाइफ में चुनौती है, डेली कुछ ना कुछ मिलती हैं, और ये चीज़ें पहले मेरे को इन चीज़ों से डील नहीं करना पड़ता था जब सनी थे, मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने कभी अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी ही नहीं थी कि हाँ ये सिलेंडर कैसे भरवाया जाता है, कहाँ से भरा जाता है, या फिर मोटर का क्या होता है सीन होता है, मोटर कहाँ से भरी जाती है, पानी ख़राब होता है, मतलब ये सब चीज़ें। अब लेकिन ये चीज़ें मुझे पता चल रही हैं कि हाँ इनसे भी हर रोज़ का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ना थोड़ा बहुत ये लगा लो, घर में 2-3 हज़ार रुपये तो हाथ में अलग रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा एकदम से आ ही जाता है, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है जहाँ एकदम से हम ना चाहते हुए भी पैसे लगी जाते हैं। और यहाँ पे देखो विहान बाबू मेरे को अपने हाथों से खिलाने लग रहा है, तो अच्छा लगता है, मतलब जब बच्चा बड़ा होने लग रहा होता है ना माँ की आंखों के सामने, तो माँ को भी खुशी मिलती है। और
अभी तो बस अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मैंने अपना एक मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया, तो उसके बाद मैं अब थोड़ा सा अपना कामों में लगूंगी। थोड़ा घर की भी सफाई करनी है, देखो पीछे कांच भी टूटा हुआ है वो भी ठीक करवाना है, तो बस अभी थोड़ी देर में लग जाएंगे अपने अपने कामों पे सब। तो चलिए इस वीडियो का लेकिन मैं यही एंड कर देती हूँ, फिर दिन में मिलती हूँ आपसे। तो मुझे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।